नमस्कार, अलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ एवं कंप्यूटर असिस्टेंट के 411 पदों हेतु एक बार पुनः भर्ती आ गई है। पहले की ही भांति टीम परीक्षा प्लस सफलता का परचम लहराने के लिए एक पेड कोर्स लॉन्च कर रही है, जिसमें आपको मिल रहे हैं सारे के सारे लाइव क्लासेस। इसके साथ ही आपके नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित अद्यतन नोट्स की ई बुक, इसके साथ ही आपको 10 टेस्ट की टेस्ट श्रृंखला दी जा रही है। कोर्स से जुड़ने के लिए 50% फ्लैट ऑफ के साथ परीक्षा प्लस ऐप के माध्यम से आज ही आप जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही में अगर आपको इसके अतिरिक्त कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो दिए हुए नंबरों पे कॉल कर। नमस्कार, मैं आशीष माथुर, आप सब हाईकोर्ट आरओ के कंप्यूटर सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपका कंप्यूटर है क्या महत्वपूर्ण रोल रखता है। मैं आपको एएससी आरओ में कंप्यूटर और रीजनिंग की क्लास लूंगा, और जस्ट देखा जाए तो एएससी आरओ में जो आपका कंप्यूटर का वेटेज है वो कहीं ना कहीं रीजनिंग की अपेक्षा ज़्यादा है। और बच्चे थोड़ा सा जो यहाँ पे डरते हैं वो कंप्यूटर से, जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि ऐसा कुछ कंप्यूटर से पूछता ही नहीं है कि आपको डरने की ज़रूरत है। बेसिक, एकदम बेसिक, अगर आप सिस्टम में मेल और ईमेल करना जानते हैं, सिस्टम में वर्ड पे कोई कभी काम किया है, तो आप उसके 20 क्वेश्चन में से 17-18 क्वेश्चन जनरली कर ले जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है एएससी आरओ में, हाईकोर्ट आरओ में, वो है आपका कि सिलेक्शन किसके बेसिस पे होगा, क्योंकि कट ऑफ इसका बहुत ही ज़्यादा जाता है। ठीक है, जितने भी पिछले पेपर हुए हैं 19 वाले 18 वाले, तो यहाँ जो देखा गया कट ऑफ एकदम सबसे ऊपर रहता है। और इस केस में आपको जो सिलेक्शन है वो सबसे ज्यादा, तो आप जान रहे हो एससी आरओ में वो जीएस का ही पोर्शन होता है। ठीक है, सिलेबस में आपका जो दिया गया है आरओ और एआरओ दोनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस पे सिलेबस में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा आपका जीएस ही होता है। ठीक है, जीएस आपका, मगर जीएस में ये नहीं कंफर्म होता है हमारा कि जीएस में अगर हम जितना पढ़ रहे हैं क्या वो सर्टेन उतना हमें याद रहता है, इसीलिए इस पे कॉन्फिडेंस कभी नहीं रहता है। लेकिन हाँ, इसका वेटेज है तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चंस भी बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, जो आपका यूपीपीसीएस आरओ का फॉर्मेट है समझ लो, उसी फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन बनता है। कुछ स्टेटमेंट वाले कम से कम आपके 15-20% क्वेश्चन स्टेटमेंट से रिलेटेड थे। ठीक, तो इसको बहुत अच्छे से आपको कवर करना है। जितने भी टॉपिक दिया गया है वो टीम वाइज आपको कवर कराया जाएगा, पूरी टीम जो है आपको एक एक टॉपिक जो है जैसे जैसे आपके सिलेबस में दिया गया वैसे वैसे आपके पूरे जो है बुकलेट नोट्स मिलेंगे, और वैसे ही आपके वीडियो क्लासेस आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। दूसरा बात है, सबसे जो अहम रोल लगता है वो है इंग्लिश, क्योंकि मैक्सिमम जो है उत्तर प्रदेश जो है स्टेट के जो बच्चे हैं इस फॉर्म को फिल करेंगे, और उनका कहीं ना कहीं यूपी के और किसी एग्जाम में, अभी पीईटी में सिर्फ लॉन्च हुआ है कि आपका इंग्लिश 5 नंबर का पूछा जा रहा है, लेकिन इससे पहले कभी इंग्लिश का जिक्र नहीं हुआ था, सिर्फ हाईकोर्ट में ही इंग्लिश आती थी। तो जिसके वजह से जैसे यूपी पीसीएस आरओ के बच्चे तैयारी करते हैं आरओ यारओ की, तो उनके लिए जीएस तो ठीक है, लेकिन इंग्लिश जो है उनके लिए डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो उसके लिए निश्चिंत रहिए, ये भी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, टीम परीक्षा प्लस के ऊपर छोड़ दीजिए। आपको बता देगी कि 50 क्वेश्चन है, क्योंकि 50 क्वेश्चन है इसलिए बच्चे डर रहे हैं कि यहां से आपको कैसे किस स्ट्रेटेजी से पढ़ना है, कि इस 50 में से कम 40 क्वेश्चन तो सही कर ले जाओ। ठीक है, क्योंकि इससे कम करोगे तो सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो वो सब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन जो टीचर आपके आएंगे इंग्लिश वाले वो पूरा आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ना है। जीएस वाले हर एक सब्जेक्ट वाले अपनी स्ट्रेटेजी बताएंगे। मैं यहां पर बात करने आया हूं कंप्यूटर की, मैं आपको कंप्यूटर और रीजनिंग पढ़ाऊंगा। कंप्यूटर का अगर देखा जाए वेटेज तो वो 20 क्वेश्चन का है। कितने का है? 20 क्वेश्चन का वेटेज है। अब 20 क्वेश्चन में एकदम जनरल अगर आप कुछ भी ना पढ़ के जाओ, मैं बता रहा हूं, तो कंप्यूटर में आप थोड़ा सा भी, आपको साउंड नॉलेज है, आप जानते हो ये कीबोर्ड होता है, ये माउस होता है, ये हार्डवेयर होता है, ये सॉफ्टवेयर होता है, इसको कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, इतना अगर आपको पता है, आपने कभी टाइपिंग किया है, जो भी कुछ किया है, तो आप बेसिकली इस 20 क्वेश्चन में से 12 से 15 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं आपके। ठीक है, तो बस इसको 20 में 20 करने की कोशिश करना है, इसीलिए मैं आया हूं। और
ये आपको मैं बता दूं, पूरा का पूरा आपका जो कंप्यूटर का क्लास होगा, ये आपका 8 से 9 क्लास में ये पूरा सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। 8 से 9 क्लास में आपकी पूरी कंप्यूटर जो है 20 क्वेश्चन में कवर करा दूंगा। पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस आपको जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिलेबस आपका कंप्यूटर का क्या होना चाहिए, ठीक है। क्या बेसिकली इन सब एग्जामों में जो छोटे एग्जाम होते हैं जहां पे कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं 20, वहां पे इनका सिलेबस क्या होता है, जनरल क्वेश्चन ये उठाते हैं। तो जनरल में अगर कहें तो बेसिक फंडामेंटल आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बेसिक फंडामेंटल क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कंप्यूटर का, बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। अब बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर ही आपका सिलेबस है, बाकी और कुछ नहीं है, बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर ही आपका सिलेबस है। इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा, इसके अंदर आपका पूरा का पूरा हार्डवेयर आ जाएगा, और हार्डवेयर में बहुत डिटेल में नहीं चीजें पढ़ना है, ये नहीं कि प्रिंटर उठा लिए तो उसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे काम करता है, ये सब डिटेल नहीं पढ़ना है। प्रिंटर है तो प्रिंटर है, कितने प्रकार के होते हैं बस इतने तक जाना है आपको, ठीक है। हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, कितने सॉफ्टवेयर होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी आपको मेनली देखो, सिस्टम में आपको, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आपको ज्यादातर विंडोज पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, बहुत हुआ तो डॉस पढ़ लेना है, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपको सिर्फ जो बेसिक आप लोग यूज करते हो, जिसमें आपकी टाइपिंग भी हर चीजें होती रहती हैं, तो वो वर्ड है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में भी आपको सिर्फ एमएस वर्ड के बारे में जानना है, ठीक है, किसके बारे में जानना है, एमएस वर्ड के बारे में जानना है, और एक्सेल के बारे में जानना है, और पीपीटी के बारे में जानना है। बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, जो आप कंप्यूटर खोल के बैठते हो तो आपके स्क्रीन पे जो चीजें दिखती हैं, वो कौन सी टैब में कौन सा आपका आइकन होता है, कौन सा इंसर्ट कहां होता है, कोई भी चीज होता है, जैसे मान लो पीपीटी बनाना है तो स्लाइड शो कहां होता है, हैंडआउट लेआउट कहां होता है, ये सब चीजें आपको याद रखना है। जूम कितना होता है, मैक्सिमम मिनिमम नंबर, आपका फॉन्ट का साइज मिनिमम से मैक्सिमम कितना होता है, ये जनरल चीजें जो प्रैक्टिकली आपको आना चाहिए वो है आपको याद रखना है। उसके बाद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गया कंप्यूटर में आप बेसिकली, और उसके बाद से उसके आर्किटेक्चर को जान लो कि कैसा क्या क्या होता है, इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है, बेसिक चीजें बस उसके, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में बात कर लेंगे। उसके बाद से थोड़ा सा हम लोग इसी में आगे बढ़ेंगे तो हमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज, हमें बहुत डीप नहीं, कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट के बारे में जानना है, ठीक है, इंटरनेट कम्युनिकेशन के बारे में। अब इंटरनेट कम्युनिकेशन जहां आ जाएगा वहां पे बेसिक थोड़ा सा हमें क्या देखना पड़ेगा, आईपी एड्रेसेस पता करनी पड़ेंगी, ठीक है। आईपी एड्रेसेस के जो क्लास होते हैं उनसे कुछ थोड़ा सा पूछ सकता है, और कुछ बेसिक जो है आपके प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल जो बेसिक प्रोटोकॉल यूज होते हैं, मान लो मेल ट्रांसफर करना है उसके लिए कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं, ठीक है, जब आप ब्राउज कर रहे हो उसके लिए कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं, ठीक है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, देखो हार्डवेयर में तो सब आ जाएंगे, मेमोरी उमोरी सब कुछ इसी में हमें पढ़ना है, जितने भी प्रकार के मेमोरी हैं, डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ये बेसिक चीजें तो आपको यहां पे इनपुट आउटपुट मेमोरी ये सब कुछ आपको क्या करना है, यहीं पे कवर कर लेना है। तो ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा सा आपको यहां पर ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स के बारे में नॉलेज रखना है, इससे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा आपसे क्वेश्चन कहां से उठाएगा, इन्हीं सबसे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, मेमोरी इनपुट आउटपुट, रैम वैम क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद से बचता है तो थोड़ा सा आपको कन्वर्जन, जो आपका नंबर सिस्टम है कंप्यूटर में, नंबर सिस्टम जिसको बोला जाता है, तो जैसे इसमें डेसिमल से बाइनरी आ जाए, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करते हैं कैसे करते हैं, बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा आपको जानना जरूरी है, इसके नंबर सिस्टम को जानना जरूरी है, ठीक है। तो यहीं पे जब हम लोग ये पढ़ेंगे ना, कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट कम्युनिकेशन, तो यहां कम्युनिकेशन चैनल भी, सिंप्लेक्स डुप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स, ये सब क्या चीजें होते हैं, बस टर्मिनोलॉजी हमें बस पढ़नी है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका सिलेबस है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी पार्ट से आएंगे, बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर,
ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इतने से ही आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे। बाकी एक दो क्वेश्चन आपके बनेंगे तो ये नेटवर्क इंटरनेट और कम्युनिकेशन से बनेंगे। ठीक है, तो ये आपका मोटा मोटा सिलेबस रहेगा। आज बेसिकली मैं स्टार्ट करूंगा आपका जो बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है। तो इसमें एक चीज और जान लो कि इसके हिस्ट्री यहां जान लो, हिस्ट्री और जनरेशन याद रखो। यहां से एक क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, हिस्ट्री और जनरेशन से पूछ लेगा कि किस जनरेशन में कौन सा जो है यूज होता था, ट्रांजिस्टर किस जनरेशन में यूज हुआ, वैक्यूम ट्यूब किस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज हुआ, अभी आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किस जनरेशन की देन है। तो ये सब क्वेश्चंस जो है आपके जनरली पूछ लेता है, तो ये आप अगर जाने रहोगे तो आपको फायदा करेगा, नुकसान नहीं करने वाला है। तो सिलेबस आपको पता चल गया कि हमें मोटा मोटा क्या पढ़ना है, बहुत डीप चीजों को नहीं पढ़ना है, हिस्ट्री जनरेशन पढ़ लेना है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ लेना है, उसमें भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम में दो चीजें मैंने बताया, विंडोज और डॉस के बारे में जान लो, एप्लीकेशन में एमएस ऑफिस में हमें सिर्फ वर्ड एक्सेल और पीपीटी पढ़ना है, और नंबर सिस्टम में हमें थोड़ा कन्वर्जन जान जाना है। ठीक है, बाकी ये जितना मेमोरी, खासकर इस पे ज्यादा ध्यान देना है, यहां से क्वेश्चन आ जाता है मेमोरी से। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज। आज का जो सेशन हमारा होगा वो क्या होगा, किस पे होगा, हिस्ट्री पे होगा, इसकी हिस्ट्री पे होगा और जनरेशन पे होगा। ठीक है, देखते हैं क्या क्या कंप्लीट हो जाता है। हिस्ट्री और जनरेशन हम आज के सेक्शन में पढ़ेंगे, हमारा एक टॉपिक जो है आज मूड है कि एक खत्म कर देंगे, हिस्ट्री और जनरेशन वाला जो सिस्टम है वो हम लोग पढ़ के खत्म कर देंगे। हिस्ट्री में भी आपको बहुत चीजें डीप में नहीं जानी है कि हाँ ये पास्कल मशीन है तो ये वर्क कैसे करती है, ये सब पूछने नहीं आएगा आपसे। सिंपल सा हिस्ट्री से एक क्वेश्चन जनरली हर एग्जाम में बनता है, कई एग्जामों में पूछा गया है एक क्वेश्चन कि सबसे एंशियंट कैलकुलेटिव मशीन कौन सी है। ठीक है, तो आंसर क्या दोगे इसका, एकदम ये समझ लो, कम से कम मैंने जितने भी एग्जाम देखे हैं जहां कंप्यूटर पूछता है, चाहे वो बैंक हो, ठीक है, चाहे एसएससी हो, कंप्यूटर तो एक दो क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछता है, तो यही क्वेश्चन हर जगह मैक्सिमम मिला है इतिहास से कि सबसे पुरानी अगर बोला जाए एंशियंट कैलकुलेटिव मशीन कौन सी है, तो एबेकस है भैया। चाइना वालों ने इसको डिस्कस किया था, देखे होगा ऐसे रॉड नुमा होता है, उसमें गेंद लगे होते हैं गोल गोल, और उसी से जो है कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये जनरल एक क्वेश्चन बन जाता है, तो वही देख लेते हैं हम लोग। देखो कई बच्चे होते हैं कंप्यूटर शुरुआत होता है तो बोलते हैं सर कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन आप अपने नॉलेज के लिए जान लो, कंप्यूटर आपका जो होता है उसका नाम ही होता है कि कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली रिसर्च एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यूज फॉर, किसके किसके लिए यूज होता है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन होता है जो पर्पसली यूज फॉर रिसर्च एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजी। किसके किसके लिए यूज होता है, रिसर्च के लिए, एजुकेशन के फील्ड में और टेक्नोलॉजी के फील्ड में, ये क्या होता है, ये कॉमन ऑपरेटिंग मशीन होता है जिसका यूज हम लोग रिसर्च एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बात कि भैया कंप्यूटर होता क्या है, कैसा दिखता है, चेहरा कैसा होता है, तो कंप्यूटर कुछ ऐसा दिखता है देखो। ठीक है, जो आप लोग देख रहे हो लैपटॉप जो है वो भी कंप्यूटर है, ये बहुत पुराना कंप्यूटर है, फोटो पुरानी ले लिया हूं। ठीक है, तो कंप्यूटर बेसिकली जो होता है इसका काम ही है, ये आपका जो है कंप्यूट वर्ड, लैटिन वर्ड है कंप्यूट, ठीक है, इसी से आया है, ये कैसा वर्ड है, लैटिन का वर्ड है कंप्यूट, इसका काम ही क्या होता है, इसका मीनिंग ही होता है कंप्यूट का मतलब कैलकुलेशन, इसका मीनिंग क्या होता है, कैलकुलेशन। तो इसका मेन मकसद यह था कैलकुलेशन के लिए इसे जो है आविष्कार किया गया, धीरे धीरे और इसमें इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ती गई कि इसके काम जो है व्यापक हो गए। ठीक है, तो मेनली पहले जब इसको निकाला गया, जब पहले कैलकुलेटर ही आए, कैलकुलेशन को ही हमें क्या करना था, ऐसा कोई तरीका ढूंढना था साइंटिस्टों को कि भैया कैलकुलेशन हमारी क्या हो जाए, वो कम एफर्ट में जल्दी आ जाए, तो इसीलिए ये सब मशीनें ढूंढना शुरू किए, तो हम लोग उसको कंप्यूटर नाम देना शुरू कर दें, कैलकुलेटर भी हमारा एक क्या है, कंप्यूटर ही है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो कंप्यूटर एक क्या है, कंप्यूटर इस तरह से बोला जाए टेक्निकल भाषा में उसकी डेफिनेशन, तो एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है जिसके अंदर प्रोग्राम किया गया होता है। ठीक है, वो प्रोग्राम किस लिए किया गया था कि वो क्या कर ले, वो इतना कैपेबल बन जाए, इतना क्षमतावान बन जाए कि जितने भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन है, ठीक है, जितने भी अर्थमेटिक मतलब गणितीय और लॉजिकल तार्किक जो आपके ऑपरेशन है
वो आपके ऑटोमेटिकली कौन कर ले, ये कंप्यूटर कर ले। तो उसके लिए क्या होगा, उसके अंदर कुछ प्रोग्राम किया जाएगा, ठीक है। कुछ भी हमें कहीं जाना होता है तो हम एक प्रोग्राम तैयार करते हैं, सुबह उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, टिकट है हमारा ट्रेन में, हम जाएंगे, तो ये एक सिक्वेंस होता है। उसी तरह ऐसे ये सिक्वेंस जो होता है, इंस्ट्रक्शन का सिक्वेंस ही प्रोग्राम कहलाता है। ये ध्यान रखना, जितना मैं बोल रहा हूं उतना जरूर सुनते रहना। किसका बोला मैं, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो निर्देशों का अगर ग्रुप जो होता है वही प्रोग्राम कहलाता है। तो ऐसे पूछ लेगा आपसे प्रोग्राम क्या होता है, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोल सकते हो उसको, ठीक। तो ये प्रोग्रामेबल मशीन है जैसी है, जिसका क्या होता है ऑटोमेटिक, ये क्या काम करता है, जितने भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं इनको परफॉर्म करता है। साथ ही साथ जो भी हम डेटा देते हैं, जो भी चीज उसको देते हैं, जो भी आपका ऑपरेशन होने के बाद आया उसको स्टोर करेगा, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी वो तुरंत आपको दे भी देगा। तो वो सब ये क्या होता है, इसके कंप्यूटर के अंदर होता है, स्टोर, प्रोसेस करना, रिट्राइव ए डाटा एज पर विश ऑफ द यूजर, जैसा यूजर चाहेगा, जब चाहेगा कोई भी डेटा को यूज करना तो वो सिस्टम से ले सकता है। आज भी मूड किया मैं गाना बजाना तो मैं गाना बजा दूंगा, उसमें गाना पड़ा हुआ मैंने स्टोर करके रखा हुआ है डाउनलोड करके, ठीक है। अभी मन किया तो मैं मूवी देखने लगूंगा। तो वो सब चीजें क्या है कि अभी जितना जो भी चीजें हो रही हैं, जब मुझे जो चाहिए वो चीजें हम कंप्यूटर से ले ले रहे हैं। तो ये चीजें क्या हो गई, हमारी आसान करने के लिए हुआ है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसके इतिहास में हम लोग जाते हैं, ठीक है। इतिहास में अगर हम पहुंचेंगे, पहले तो इसके कुछ वो देख लेते हैं, इतिहास जानने से पहले कि इसकी फीचर्स क्या क्या है, कंप्यूटर्स के फीचर क्या है, किस तरह से हमें हेल्प करता है कंप्यूटर, ठीक है, तो वो देख लो, उसके बाद से हम इसके इतिहास में जाएंगे। ऑटोमेशन मैंने बताया कि सब कुछ स्वचालन होता है, ठीक है। आपने इसमें दे दिया कैलकुलेटर है, आपने कंप्यूटर में कैलकुलेटर खोलोगे, एक्सेल में काम कर रहे हो तो एक्सेल में आप डाटा एंट्री करते जाओ, उसमें आपने फॉर्मूला लगा दिया तो वो पूरा अपने आप सम करते हुए चला जाएगा, तो वो आपको अलग से ऐड नहीं करना पड़ा, एडिशन के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ा, वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बना दिया गया है कि आप जैसे जैसे उसमें कोई भी डेटा एंटर करते हो अपने आप सबको जोड़ता हुआ आपको लास्ट में टोटल बता देगा, इतने रुपया हुए, इतने आपके जो है क्वांटिटी बिकी, जो भी आप जिस वर्क में आप काम कर रहे हैं। तो ये स्वचालित होता है, स्पीड हमसे तेज होती है, लोगों से तेज होती है स्पीड। अभी हम कहें तो हम लोग बहुत करेंगे तो दो अंकों का, चार अंकों का गुणा बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन अभी पॉइंट में कही दिया जाए कि 1.001010, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है 0.01015289620, ऐसा करना है तो भैया हम नहीं कर पाएंगे, हैंग हो जाएगा हमारा दिमाग, लेकिन कंप्यूटर हैंग नहीं होगा, ठीक है। ये तुरंत का तुरंत विद एक्यूरेट, ऐसा भी नहीं कि गलत, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करके आपको आंसर दे देगा। तो ये कहेंगे हमें करने में तो इसमें टाइम लगेगा, लेकिन कंप्यूटर के लिए स्पीड बहुत तेज है, बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर देता है। स्टोरेज, हमारे दिमाग की क्षमता हमें नहीं पता कि कितना स्टोर कर सकता है, जितना पढ़ते हैं ऐसा लगता है, कभी कभी चीजें लगती है कितना भी पढ़ने भूल जाते हैं, लेकिन इसको भूलने की बीमारी नहीं है। हम 10 मिनट बाद पता चलता है, कुछ सोचते सोचते रहते हैं कि अभी कुछ ये बोलना है और बस तुरंत ही भूल जाते हैं, एकदम गजनी वाला हालत हो जाता है हमारा, ठीक है। तो वो हमारे जैसा ये नहीं, ये गजनी नहीं बन सकता, इसके अंदर जो भी चीजें डाल दी है स्टोर करके रखा है, जब भी मांगोगे तुरंत दे देगा, तो स्टोरेज कैपेसिटी इसकी अच्छी है। मैंने बताया एक्यूरेसी, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो तो आपसे गलती हो सकती है, लेकिन इससे गलती नहीं होगी क्योंकि ये मशीन है, इसमें प्रोग्राम करके डाल दिया गया होगा। अगर प्रोग्राम सही है आपका तो वो कभी गलती नहीं करेगा। है ये इंसानों की दिन, लेकिन इंसानों से आगे है, इतना जान लेना, ठीक है। वर्सेटाइल एक्टर है एकदम, जिस जो भी कहोगे, जिस फेज में कहोगे वैसे काम ये करने लगता है, ठीक है। 24 घंटा कहो ये करने लगता है, कर्मठ बोला जाता है ना, डेलिजेंस, ठीक है, एकदम कर्मठ व्यक्ति है ये बोला जाता है, जो एकदम दिन रात कार्य करता रहता है उसको कर्मठ बोलते हैं। तो वैसे इसको ये थकता नहीं है, जितना भी इसका यूज कर लो, 24 घंटा, 48 घंटा, 36 घंटा, जितने भी घंटे इसको बैठ के इसमें जो भी काम करना हो, कोई गाना सुन रहा है, कोई मूवी देख रहा है, कोई उसी पे वर्क कर रहा है, कोई टाइपिंग कर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक चालू रखो, कभी नहीं कहेगा भैया हम थक गए, हमें रियल जूस पिला दो, हमें कुछ पिला दो, खिला दो, तब हम आप काम करेंगे। इंसान एक समय तक काम करने के बाद थक जाता, कहता भैया आप बहुत
थकान हो रही है, अब मुझे सोना चाहिए, लेकिन ये नहीं कहता है मुझे सोने को चाहिए। रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता होती है इसके अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई चीज की आपकी, आपने ये किया तो वो गलत देगा आपको इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो भी चीज आप सर्च मारेंगे, जो भी वो आपके जो सही होगा वही चीज आपको ये बताएगा, तो रिलायबल होता है। मैंने बताया याद रखने की क्षमता इसकी बहुत अच्छी होती है, कभी भी का डाटा ही अपने पास स्टोर करके रखता है जो भी सर्च मारोगे। जैसे आप कहीं भी कोई फाइल रखे हो कंप्यूटर में और भूल गए, लेकिन आपको नाम याद है कि मैंने ये फाइल इस नाम से बनाई है, और आप पता नहीं किस डायरेक्टरी में आपने उसको सेव करके रखा है, किस ड्राइव के किस डायरेक्टरी में रखा है, तो बस एक नीचे सबसे स्टार्ट में सर्च का बटन होता है, वहां सर्च कर लो, उस फाइल का नाम याद है, आपको सिस्टम खोल के दे देगा कि इस फाइल की ये फाइल यहां पड़ी हुई है, उसके फाइल लोकेशन पर चले जाओ, उसको ला सकते हो। तो वो बोल सकते हो कि उसकी याद करने की क्षमता, उसे मेमोरी में रखने की क्षमता हम लोगों से काफी ज्यादा है। अब हम इतिहास की तरफ बढ़ते हैं, तो वो कुछ फीचर्स हो गए जो कंप्यूटर के होते हैं। तो क्वेश्चंस क्या बनेगा फीचर से, ये ध्यान रखो। बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का फीचर्स नहीं है, चाहे है तो ये ध्यान रखना कि फीचर्स आपके ये इतने हैं, ठीक है। तो इनमें से अगर कोई होगा तो ऑप्शन में रहेगा, नहीं वाला होगा तो इसमें से कोई वाला नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग कंप्यूटर के इतिहास में, तो बात करेंगे अबेकस के बारे में सबसे पहले, ठीक है। अबेकस के बारे में मैंने बताया, सबसे प्राचीन आपका कैलकुलेटिव जो है, क्या है ये, मशीन है। इसका आविष्कार 2400 ईसा पूर्व में एक चीनी द्वारा किया गया था, और ये कुछ ऐसा दिखता है, ये ध्यान रखिए। तो सबसे पुराना कंप्यूटिंग अगर बोला जाए कैलकुलेटिंग डिवाइस तो वो एबेकस है। दूसरे की बात किया जाए तो वो जॉन नेपियर साहब आते हैं, ये एक कहां के थे, स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे। जरूरत किसको पड़ेगी भैया आविष्कार की, और भी कैलकुलेशन के आविष्कार की, ठीक है। हिस्ट्री वाले तो कैलकुलेशन करने नहीं जाएंगे, पॉलिटी वाले तो करने नहीं जाएंगे, ठीक है, वो तो उनका काम है थिंक करना। जो भी राजनीतिज्ञ होंगे, जो इतिहासकार होंगे, वो खनन करेंगे, ठीक है, अलग अलग साइटों का, तो वो अपने अपने फील्ड में लोग रिसर्च करते हैं। ऐसे ही मैथमेटिशियन वाले क्या होंगे, अपने फील्ड में रिसर्च करेंगे। उनको भाई कैलकुलेशन ज्यादा लगी, नहीं हो पा रहा है, तो कोई अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढेंगे, ठीक है। तो वो इसीलिए आविष्कार क्या करेंगे, शुरू हो जाएगा इनका। तो इन्होंने ही लॉगरिथम का आविष्कार किया था, जो लॉग के कैलकुलेशन होता है, तो कौन किया था, जॉन नेपियर ने किया था। और इसी को कैलकुलेट करने के, लॉगरिथम के जो भी कैलकुलेशन होते हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने एक जॉन नेपियर बोन्स कैलकुलेटिव मशीन बनाई, जो मैकेनिकली मशीन था, बोला जाए तो एक मैकेनिकल मशीन, क्या बोल सकते हैं उसको, एक जनरल, ये क्या था, रॉड लगा हुआ था, ठीक है, रॉड था, और इसी में हड्डियों से बने बोन के बने हुए थे, ठीक है। ये जो नंबर लिखे हैं 01 से लेकर 9 तक नंबरिंग थी, और इसमें जो यूज हुआ गया था, तो जॉन नेपियर बोन मशीन बोला जाता है, क्योंकि इसमें हाथी के दांत यूज किए गए थे इसको बनाने के लिए, ठीक है। तो इससे कैलकुलेशन, जो लॉगरिथम कैलकुलेशन थी, उसको यहां कैलकुलेट किया जाता था। ये पहला ऐसा बोल सकते हो कि मशीन था जिसमें दशमलव, मतलब डेसिमल पॉइंट का उपयोग किया गया था। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 से ये क्या डेसिमल नंबर है ना, तो एक पहला मशीन जिसमें हम लोग, क्योंकि एबेकस में डेसिमल नंबर का नहीं, वहां हम तो गोली छर्रा यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमने नंबरिंग करके हम कैलकुलेशन करते थे, वो भी किसी एक खास कैलकुलेशन होता था। मेनली इसका कार्य क्या था कैलकुलेशन में, मशीन द्वारा गुणा, भाग, वर्ग, घनमूल निकाला जाता था, और लॉगरिथम को भी कैलकुलेट किया जाता था। तो क्या क्या कर सकता था, गुणा कर सकता था, भाग कर सकता था, वर्गमूल निकाल सकता था, मतलब स्क्वायर, क्यूब, ये सब निकाल सकता था। नेक्स्ट आपका आता है, वो आते हैं आपके, देखो कुछ ऐसा दिखता है, 1550 से लेकर 1617 के बीच में इसका आविष्कार हुआ था। बोला जाता है कि 1550-1617 में ये मार्केट में इन द सेंस आया था, ठीक है। ये कुछ ऐसे दिखता है, देखो ये नंबरिंग वाला, और ये भाई साहब हैं जॉन नेपियर, ठीक है। अब पास्कल के बारे में बात करते हैं, ब्लाइथ पास्कल, जिन्होंने पास्कलिन मशीन बनाई थी। अब इनका क्या काम था भैया, ये क्या हुए कि अपने पिताजी को देखें, टैक्स अकाउंटेंट थे इनके पिताजी, ठीक है, एक कंपनी में टैक्स अकाउंटेंट का काम करते थे, तो उनको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ती थी। अब पिताजी का दुख इनको देख नहीं गया, और क्या कहें पास्कल साहब, ये कहें रुको पिताजी, हम आपकी जो है जो कैलकुलेशन है उसको हम आसान बनाएंगे। और इन्होंने, ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, इन्होंने इन्वेंट किया 1642 से 44 के बीच में एक मशीन, जिसका नाम था क्या, पास्कलिन, या अर्थमेटिक मशीन भी इसको बोलते हैं,
क्या क्या बोलते हैं इसका, दो नाम है। अगर पूछेगा आपसे अदर नेम ऑफ पास्कलिन मशीन तो अर्थमेटिक मशीन होगा, या पास्कल कैलकुलेटर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये इसके नाम है। पहला मैकेनिकल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था, देखिए ध्यान रखना, इसमें मैनुअल नहीं करना पड़ता था। जो नेपियर बोन्स था उसमें मैनुअली हमें कैलकुलेशन करना पड़ता था, कुछ नंबर को लगा के उसकी ट्रिक होती थी उस हिसाब से करना होता था, लेकिन ये ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था, ठीक है। उसमें घुमाया जाता था गियर और वो कैलकुलेट करके आपको दे देता था। तो ये कब हुआ, 42 से 44 के बीच में हुआ। देखो गियर व्हील्स पे बेस्ड था ये, ठीक है। इसी को अर्थमेटिक मशीन, पास्कलिन और पास्कल कैलकुलेटर भी बोलते हैं। और इसका मेनली काम क्या था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना, सिर्फ ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही कर पाता था, इसीलिए इसको क्या बोला गया, अर्थमेटिक मशीन ही बोला गया, या एडिशन मशीन भी बोल सकते हो, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, ये 42 लिखा है, इसको हटा देना, ये 42 नहीं है, ये 1642 के और 44 के बीच में है, इन्होंने डिस्कवर किया था पास्कल साहब। नेक्स्ट आपका आता है, ऐसा कुछ दिखता है जो आपका पास्कल्स कैलकुलेटर है आपका, वो ऐसा ही दिखता है, इसमें ऐसे गियर लगे होते थे, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद से हम लोग आते हैं लेबनीज व्हील पे, जो स्टेपेड रेकॉनर था, ये अगला आपका जो है क्या था, कैलकुलेटिव मशीन था, स्टेपेड रेकॉनर। आविष्कार 1972 के आसपास में किया गया, 94 में ये पूरा हुआ, मतलब 72 में इसके काम शुरू हो गए इस पे, और 94 में ये क्या हो गया, पूरा हो गया था। स्टेपेड रेकॉनर या लेबनीज कैलकुलेटर भी इसको बोलते हैं, जो डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था, ये ध्यान रखना है, ये क्या था, पहला आपका डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था, जिसमें डिजिटल आपको डिजिटल दिखे, वो डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा था, लेबनीज कैलकुलेटर था, ये ध्यान रखिएगा। जर्मन गणितज्ञ थे जिनका नाम क्या था, गॉटफ्रिड विलहेम लेबनीज, ठीक है। जो लेबनीज वाली मशीन थी, लेबनीज कैलकुलेटर था, उसको गॉटफ्रिड विलहेम लेबनीज द्वारा क्या किया गया था, बनाया गया था। इसे पास्कल कैलकुलेटर में जो भी दिक्कतें आ रही थी उसको सुधार करने के लिए बोला गया। यह पहला कैलकुलेटर था जो कि सभी प्रकार के चार अंक गणती, क्योंकि आपके जो पास्कल था वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकता था, लेकिन इसका काम क्या था, जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं, गुणा भाग, ठीक है, वो सब जोड़ घटाना, ये सब कुछ कर सकता था, ठीक है। यहां दिखाया है ना, घटाओ जोड़ गुणा भाग, ये सब चारों अर्थमेटिक ऑपरेशन, बोला ना अर्थमेटिक ऑपरेशन, चार अंक गणितीय जो ऑपरेशन होते हैं वो सब ये कर सकता था, ठीक, ऐसा कुछ दिखता था। ये देख लो मशीन को, मशीन कुछ आपकी ऐसे दिखती थी। अगले पे हम लोग आते हैं, जहां से शुरुआत होती है असली आपके आज के हिस्ट्री की, इन द सेंस हिस्ट्री ऑफ जो कंप्यूटर्स है, ये एक कैलकुलेटर है। अब यहां से कंप्यूटर जो उसके और भी काम बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। आते हैं भाई साहब चार्ल्स बेबेज पे, ठीक है। बेबेज साहब जो है इंग्लिश पॉलीमैथ, मैथमेटिशियन, मैकेनिकल इंजीनियर और फिलोसोफर सब थे, ठीक है। इन्होंने ही इन्वेंट किया था 1820 में, चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था, जो स्टीम पे चलता था। किस पे चलता था, स्टीम पे चलता था, ठीक है। 20 में शुरू हुआ, 22 में इसका काम पूरा हुआ था, ये ध्यान रखना, 1820 में शुरू हुआ डिफरेंस इंजन और 22 में पूरा हुआ था। डिफरेंस इंजन एक मैकेनिकल बोला जाए कंप्यूटर था, जो भाप से, मैंने बोला स्टीम से चलता था। इसका भी काम जो था आपका क्या था, कैलकुलेशन करना ही था, ठीक है। लेकिन इन्हीं ने, चार्ल्स बेबेज ने ही अपने कल्पना किया कि हमें एक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की परिकल्पना बोला जाए, वो बेबेज साहब ने ही किया था। बोला गया कि कुछ पैसों के अभाव के कारण ये चीजें पूरा नहीं कर पाए थे, तो इनके बेटे ने जो है, जो एक एनालिटिकल इंजन 2 जो बनाया था, डिफरेंस इंजन के बाद एनालिटिकल इंजन 1837 में आता है चार्ल्स बेबेज का, जो बोला जाता है उस एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था, प्रोग्रामेबल मैकेनिकल कंप्यूटर था, नॉट ए डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर अभी नहीं आया, ये सब एक मैकेनिकल कंप्यूटर है, ठीक है। मैकेनिकली मतलब कहीं ना कहीं कुछ उसके टच से ये काम कर रहे हैं, डिफरेंस इंजन है, और 37 में एनालिटिकल इंजन में बदला, तो जो एनालिटिकल इंजन बना वो कहीं ना कहीं आज के कंप्यूटर से मेल खाता था। इसी वजह से क्या बोला गया, चार्ल्स बेबेज को
जो है कंप्यूटर का पितामह बोला गया, ठीक है, जो आधुनिक कंप्यूटर है, आधुनिक कंप्यूटर का पिता। यहां दो क्वेश्चन उठते हैं, एक तो आपको कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, अगर ये पूछ दिया तो चार्ल्स बेबेज होगा। मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर अगर पूछ देता है तो एलन ट्यूरिंग होंगे, जो ट्यूरिंग मशीन थी उन्हीं को बोला जाता है, वो आपके मॉडर्न कंप्यूटर जो आज के समय में कंप्यूटर आ रहे हैं उसका एंसेस्टर कौन था, तो ट्यूरिंग मशीन थी जो एलन ट्यूरिंग के द्वारा बनाई गई थी। तो मॉडर्न जो फादर है कंप्यूटर के वो एलन ट्यूरिंग है। एंड डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन आप देख रहे हो, तो यहां पे आप एनालिटिकल इंजन जो था उसमें आपका क्या यूज होता था, प्रोग्रामेबल था, उसमें पंच कार्ड यूज होते थे। ALU जो अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन है वो पहली दफा वहीं पर यूज हुआ था, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो इन्होंने डिफरेंस इंजन के बाद 37 में फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया गया। एनालिटिकल इंजन में बेसिक फ्लो कंट्रोल, इंटीग्रेटेड मेमोरी मतलब स्टोर करने की क्षमता अगर बोला जाए तो यही में आया, जो आज के कंप्यूटर में स्टोरेज होती है ना वही चीज, मेमोरी भी इसको दिया गया। साथ ही साथ ALU अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन, मैंने बताया जो जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन है आज जो आपके CPU में दो होता है ना, ALU एंड CU कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिकल, जो है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जो होता है, ये जो दोनों होते हैं और मेमोरी यूनिट होता है, तीन पार्ट आपके CPU के मेन होते हैं, तो वो चीज आपके ALU और मेमोरी वाला पार्ट हमें एनालिटिकल इंजन में भी देखने को मिला था। और पंच कार्ड के थ्रू इसमें इनपुट होता था, एक पंच कार्ड होता था उसके थ्रू क्या होता था, इसके इनपुट दिए जाते थे। ये जो थी लेडी एडा लवलेक, इन्हें पहला प्रोग्रामर बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पहला प्रोग्रामर कौन था, तो लेडी एडा लवलेक थी। ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थी हु रिसर्च ऑन बेबेज वर्क, जो चार्ल्स बेबेज का वर्क था उन्होंने उस पर रिसर्च किया, जैसे एनालिटिकल इंजन था तो सी हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर कैन बी प्रोग्राम्ड, मतलब कंप्यूटर को हम प्रोग्राम्ड कर सकते हैं, इन्होंने ही कहा था, इसीलिए इन्हें फर्स्ट प्रोग्रामर बोला जाता है। बेबेज का जो एनालिटिकल इंजन था उन्होंने इन्हें इसी में लेडी एडा लवलेक ने ही कहा था कि इसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, प्रोग्राम के थ्रू कोई भी चीजें हम इसमें रन करा सकते हैं, एक डेफिनेट टास्क के लिए हम अलग से उसका एक प्रोग्राम तैयार कर सकते हैं, ऐसा इनकी धारणा थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो हमारे आते हैं वो जॉन एंटनस्टॉफ आता है। जॉन एंटनस्टॉफ डेवलप किया था एक एंटनस्टॉफ बेरी कंप्यूटर, ठीक है, जो बाद में चल के ABC कंप्यूटर के नाम से फेमस हुआ 1937 में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, जॉन एंटनस्टॉफ जो था वो ABC कंप्यूटर था 1937 में आया था। ये अगर बोला जाए तो यहां से एक तरह से डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल की तरह हम लोग 1937 से बढ़ना स्टार्ट हुए, डेवलपमेंट हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर में स्टार्ट हुआ 1937 के अप्रोक्स। ऐसा नहीं कि हम मैकेनिकल, इससे पहले हमारे जो भी थे वो मैकेनिकल कंप्यूटर थे, ठीक है। उसके बाद से आता है टेबुलेटिंग मशीन, इससे भी कई क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सी मशीन थी जो US के सेंसस में 1890 में जब सेंसस हुआ था पहली बार तो उसमें यूज की गई थी, तो ये टेबुलेटिंग मशीन थी। इसका दूसरा नाम जो था वो हॉलरिथ टेबुलेटिंग मशीन था, ठीक है, इसी का, क्योंकि इसको हॉलरिथ साहब ने खोजा था इसीलिए उन्हीं के नाम पे हॉलरिथ टेबुलेटिंग मशीन कर दिया गया। US में 1890 में, मैंने बताया जैसे देखिए 1890 में ये क्यों यूज हुआ, ये गणना के लिए, सेंसस जब आपका जनगणना किया गया तो उसमें यूज हुआ और इसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तो ये भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली मशीन थी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन एक तरह से ये बोल सकते हो पूरा था। इसमें डाटा भी पंच कार्ड की जैसे एनालिटिकल इंजन में होता था वैसे इसमें भी स्टोर होता था, ठीक है। डाटा को सॉर्ट करना मतलब सॉर्टिंग, डाटा की सॉर्टिंग का मतलब ढेर सारे आपके पास डाटा है, सॉर्ट करना का मतलब हो गया डाटा की सॉर्टिंग का मतलब कि मान लो ढेर सारे आपके पास डाटा है तो उसको कैसे आप अरेंज करोगे अपने सिस्टम में, उसी को कहते हैं सॉर्टिंग। जैसे A से लेकर Z तक आपने आप जब देखोगे तो सिस्टम खोलोगे आज कितना काम किए हो तो उसके लिए आप आज के डेट पे फाइल सर्च करोगे तो आज के डेट की आ जाएगी, जो भी चीज डाउनलोड में आप डाउनलोड करते हो डेट वाइज सर्च कर सकते हो, तो वो सॉर्टिंग हो गई, ठीक है। तो डाटा को सॉर्टिंग करने का कॉन्सेप्ट आपका यहीं से आया, ठीक है। हरमन हॉलरिथ टेबुलेटिंग मशीन कंपनी के बाद IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन रखा गया, ये कॉन्सेप्ट आपको ये पॉइंट जरूर याद रखना है। जो हरमन हॉलरिथ साहब थे
इन्होंने ही बाद में चलकर किसकी नींव डाली, आईबीएम, जो आज के समय में सॉफ्टवेयर की जो है सेकेंड आपकी बोले जाए तो एक तरह से इंडस्ट्री है अच्छी खासी सॉफ्टवेयर के मामले में। तो इसका आईबीएम का फुल फॉर्म यहां से देख लो, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो ये पहले किस नाम से जानी जाती थी, पहले तो कंपनी का नाम था टेबुलेटिंग मशीन, ठीक। उसके बाद से हरमन हॉलरिथ ने आके उसको क्या बोला, इस कंपनी का नाम चेंज कर दिया और आईबीएम रख दिया, और यहीं से आईबीएम की नींव पाड़ी गई, ठीक है, 1890 की बात है। और इसको बिग ब्लू के नाम से भी जाना जाता है, आईबीएम का दूसरा नाम भी क्या है, बिग ब्लू नाम है। डिफरेंशियल एनालाइजर की बात करें, ठीक है, डिफरेंशियल है, ये पहला आधुनिक एनालॉग कंप्यूटर था। देखो ये एनालॉग कंप्यूटर था, कंप्यूटर आपके दो टाइप के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल, मैं बताऊंगा बाद में इसको जब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे एनालॉग और डिजिटल के बारे में बताऊंगा। एनालॉग कंप्यूटर आपके वो हो गए जैसे आपके स्पीड मापे जाते हैं, ठीक है, आपके टेम्परेचर मापे जाते हैं, जो भौतिक आपके जो इकाइयां होती हैं, यूनिट होते हैं, उनको नापने के लिए जो सिस्टम यूज होते हैं उनको एनालॉग कहते हैं। तो पहला एनालॉग कंप्यूटर आपसे पूछ दे तो वो डिफरेंशियल एनालाइजर था। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि पहला एनालॉग कंप्यूटर डिफरेंशियल एनालाइजर, जिसको कहा 1930 में MIT, ठीक है, वन नेवर बुश जो थे, कहा के MIT के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। इसका मेन जो यूज हुआ वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है इंजीनियरिंग में, ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं इंजीनियरिंग में आपके, और जो आपके साइंटिफिक में यूज होते हैं, रिसर्च में यूज होते हैं कैलकुलेशन डिफरेंशियल के, उनको सॉल्व करने के लिए ये डिफरेंशियल एनालाइजर का यूज किया गया। इसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल को वैक्यूम ट्यूब द्वारा स्विच किया जाता था, ये कुछ मिनट में 20 से अधिक गणना कर सकता था, ठीक है। तो इसमें वैक्यूम ट्यूब जो आपके फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ था वही यहां पर यूज हुआ था 1930 के आसपास में। फिर आता है मार्क वन कंप्यूटर, नाम इसको मार्क वन कंप्यूटर दिया गया। देखो ये है आपका वो डिफरेंशियल एनालाइजर, ये कुछ ऐसा दिखता है, वैक्यूम ट्यूब उसमें लगाया गया है, ठीक है। अब आया मार्क वन कंप्यूटर, तो कहीं कहीं सर्च मारोगे कि पहला कंप्यूटर कौन था, तो वो आपको मार्क वन दिखाता है, लेकिन मार्क वन एज ए कंप्यूटर नहीं था जो सब कुछ काम कर सके, ये कैलकुलेशन ही कर सकता था, ये भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ये प्रोग्रामेबल बोला जाए, प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर था, जो आज के समय में कैलकुलेटर आ रहे हैं समझ लो उसी टाइप से था, ये प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर था मार्क वन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 1937 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हार्वर्ड आइकन, ठीक है, हार्वर्ड आइकन ने इसे बनाया था। बाद में यही हार्वर्ड आइकन आईबीएम के साथ मिल जाते हैं 1944 में, ठीक है, मार्क वन कंप्यूटर को 94 में आईबीएम और हार्वर्ड द्वारा इसको बनाया गया। जो मार्क वन था वो आईबीएम, जो इससे पहले मैंने बताया आपको हॉलरिथ साहब वाला आईबीएम जो कंपनी थी, और ये आपके कौन, हार्वर्ड साहब, ये दोनों लोग मिल जाते हैं, हार्वर्ड आइकन और आपकी आईबीएम कंपनी मिलकर मार्क वन कंप्यूटर जो कैलकुलेटर है उसका आविष्कार करती है, ठीक है। जिसमें क्या यूज होता था, पेपर टाइप रीडर होता था, दो कार्ड रीडर होते हैं, एक पंच कार्ड होता था, ठीक है, होता था ये कंप्यूटर ऐसे ही, देखो ऐसे दिखता। 1944 की बात है, 1944 में हम लोग पहुंच चुके हैं, मतलब पहला जनरेशन हमारा अब स्टार्ट हुआ है इसी समय, ठीक है। तो ये कैलकुलेटिंग मशीन है, समझ लो खाली कैलकुलेशन करने के लिए इसे बनाया गया था। अगला जो है हमारा वो है, तो उसी के सिक्वेंस आए बाद में, मार्क टू, मार्क थ्री, मार्क फोर। तो आइकन को फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक लार्ज स्केल कैलकुलेटर बोला गया, ठीक है, लार्ज स्केल पर कैलकुलेशन करने के लिए पहला, अगर आपसे पूछे कि कैलकुलेशन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर कौन सा था, तो मार्क वन था, चाहे आइकन वन था, AIKEN अपने नाम पर भी इन्होंने लिखा है, आइकन वन या मार्क वन, ये आपसे बोले। उसके बाद से बोले कि जो आज का सिस्टम है, जो आज का कंप्यूटर है डिजिटल, लार्ज स्केल डिजिटल पहला कंप्यूटर कौन सा, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का डिजिटल पहला कंप्यूटर आपसे पूछता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल का पहला कंप्यूटर कौन है, फर्स्ट लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर, तो वो कौन सा था, वो ENIC था। क्या था, ENIC था, ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में पूछा है, तो इसे याद रखना। ENIC जो है आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, जिसको करने खोजने वाले जॉन मॉसली
एंड एस्कॉट थे। कौन थे? जॉन मॉशली एंड एस्कॉट, ये दोनों लोगों ने एनिक का आविष्कार किया था। ठीक है, उसी के बाद आपका देखो एनिक का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा है एग्जाम में, कई बहुत से एग्जाम में ये दो क्वेश्चन आपका एनिक और एनिक का फुल फॉर्म, क्योंकि एब्रिविएशन में आया था इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, एनिक का क्या होता है? फुल फॉर्म होता है, तो ये याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है आपका 1949 में जो है एक और कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? एडसेक के नाम से जानते हैं। इसमें यह खासियत है कि एडसेक का जो अगर बोला जाए तो उसका एक तरह से ढांचा बोला जाए, उसको जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था। जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर आज के समय में हम पढ़ते हैं, वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर किसने दिया है? जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया है। उन्होंने ही इसका एडसेक का ढांचा तैयार बोला था कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसको बनाने वाला जो था वो ये थे मॉर्सी वी विल्कस। ठीक है, इन्होंने इसको बनाया था, इसीलिए इन्वेंटर यही कहलाएंगे। कहीं कहीं आपको मिल जाता है तो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, जॉन वॉन न्यूमैन होते हैं तो समझ लो वही मारना, एडसेक का इन्वेंटर कौन था। अगर नहीं मिलते हैं तो आपके कौन होंगे? मॉराइस वी विल्कस। वैसे मैं सही आपका 100% यही है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कहा था कि ऐसे होना चाहिए ढांचा, लेकिन उसको बनाने वाले यही थे मॉरिस विल्कस। ठीक है, 1949 में ये आया था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इसको बनाया गया था। इसका फुल फॉर्म जो है एडसेक का फुल फॉर्म है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। देखो अभी भी जो भी सिस्टम आ रहे हैं उनके जो फुल फॉर्म में कैलकुलेटर कहीं ना कहीं लगा, क्योंकि काम ही उनका कैलकुलेशन का होता था। अब धीरे धीरे कहां आ गए हैं? ये मनुष्य का स्थान लेने लगे हैं, इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आ गए हैं। ठीक है, तो ये स्टोर करके प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पे था। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर जब बोला जाए, इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जहां से बोला जाए कि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट आया वो एडसेक से ही आया था। ठीक, तो ये आपके हो गए, क्या हो गए? हिस्ट्री से रिलेटेड। अब इसी के बाद जस्ट आपका शुरू होगा जनरेशन। ठीक है, इसी के बाद हमारा जनरेशन स्टार्ट होगा। तो जनरेशन जो होगा वो अगली क्लास में हम करेंगे कि किस जनरेशन में कौन से सिस्टम आए और कैसे कैसे एडवांस टेक्नोलॉजी बढ़ती गई। एक कमरा जो आजकल हमारे जनरल घरों में एक कमरा होता था, तो पहले जनरेशन के कंप्यूटर आपके एक जो होता एनियाक, जो मैंने बोला जो एनियाक का आपका कंप्यूटर है, ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन का है और एडसेक भी आपका फर्स्ट जनरेशन का है। तो ये सब कंप्यूटर आपके आज के कमरे के जैसे पूरे कमरे में सेटअप इनका तैयार किया जाता था। उस कमरे में चले जाओगे तो एकदम खत्म हो जाओगे, इतनी हीट होती थी। तो जनरेशन के बारे में हम लोग कल देखेंगे, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।